ये कैमरा टू एपीआई का टॉपिक और जी कैम का टॉपिक कई दिनों से ट्रेंडिंग पे है। आपने भी सुना होगा इसके बारे में, अगर आपके पास ऐसे सैमसंग मैक्स प्रो M2, M1 या इस सीरीज में से कौन सा भी स्मार्टफोन होगा तो, और अगर आपके पास कौन सा भी डिवाइस है उस पर आप जी कैम यूज़ करते होगे तो। पर आपने कभी सोचा है कि कैमरा टू एपीआई होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या है? मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आगे देखते रहना। वेलकम टू माई चैनल, आई एम शिवम। ये कैमरा टू एपीआई क्या है भाई? इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए। मान लो एक ऑफिस है, वहाँ पे कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम पे लिखा है उसके डोर पे नो एंट्री फॉर आउटसाइडर्स, मतलब बस जो स्टाफ मेंबर्स है वो जो अंदर जाके कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल रूम को। इसका मतलब है बाहर से जो आएगा उसको अंदर कंट्रोल रूम में एंट्री नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कैमरा टू एपीआई जो है वो डिसेबल है आपके मोबाइल पे। और अगर आप आउटसाइडर्स में से हो और आपको उस कंट्रोल रूम में जाके कुछ कंट्रोल करना है तो आपको बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? तो ऐसे ही मान लो बॉस की परमिशन लेनी मतलब कैमरा टू एपीआई एनेबल करना, जो कि आप सिंपल से एक फास्ट बूट कमांड से एनेबल कर सकते हो, या तो फिर कोई कोई डिवाइस को रूट करने की ज़रूरत पड़ती है, रूट करके एनेबल कर सकते हो। फिर वो कैमरा टू एपीआई एनेबल करना मतलब आपको बॉस ने जो है परमिशन दे दी है अंदर जाके कंट्रोल करने की, कंट्रोल रूम में, तो आप कंट्रोल रूम में जाके जो भी है वो कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब है एग्जाम्पल के लिए बाहर से थर्ड पार्टी आप जी कैम आपके मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप बॉस ने आपको परमिशन दे दी है मतलब कैमरा टू एपीआई आपने एनेबल करके रखा है आपके डिवाइस पे, तो जो जी कैम है वो आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें मैनुअल सेटिंग्स कंट्रोल कर सकता है, और जो भी उस जी कैम में जो फीचर्स है उसको परमिशन लगती है कंट्रोल रूम में जाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि नाइट साइट मोड है, मैनुअल मोड है, तो वो कर सकता है कैमरा टू एपीआई एनेबल करने के बाद। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो कैमरा टू एपीआई जो है वो कंपनियाँ डिसेबल करके रखती है बाय डिफॉल्ट, किसी सिक्योरिटी पर्पज़ या तो फिर कुछ कॉपीराइट पर्पज़ के लिए। जो कैमरा टू एपीआई है वो अगर आपके मोबाइल पे डिसेबल है तो जो थर्ड पार्टी ऐप्स है, कैमरा ऐप्स, वो इंस्टॉल करते हो आप तो वो कुछ काम नहीं करता, मतलब उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे कि मैनुअल मोड पूरे तरह से काम नहीं करता है। पर जो स्टॉक कैमरा ऐप होता है, जो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट दिया होता है आपके मोबाइल में, वो पूरे तरह से काम करता है, मतलब उसको समझ लो स्टाफ मेंबर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, तो उसको परमिशन होती है पूरी तरह से कि वो जाके वो कंट्रोल रूम में कंट्रोल कर सके। बस कुछ ऐसे ही बाकी के फीचर्स उनके मोबाइल पे यूज़ करने के लिए कैमरा टू एपीआई एनेबल कर रहे हैं लोग। जो एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 या M1 जो सीरीज़ है उस पर कंपनी ने बड़े सिंपल करके रखा है कैमरा टू एपीआई एनेबल करना। उसके लिए बस आपको एक फास्ट बूट कमांड देनी होती है, आपका मोबाइल फास्ट बूट मोड पर डाल के और आपका कैमरा टू एपीआई इनेबल हो जाता है। और जहाँ पे बाकी के मोबाइल कंपनियाँ की बात करें तो वो कंपनियाँ उसको डिसेबल करके रखती है, और बस बड़ा हार्ड होता है कैमरा टू एपीआई इनेबल करना, उसको रूट करना पड़ता है आपको मोबाइल को, तब जाके कैमरा टू एपीआई इनेबल होता है बाकी के डिवाइसेस पर। इसलिए जो एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 आया था तब भी कैमरा टू एपीआई वाला टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में आया था, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट्स थी एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 M2 पे जो स्टॉक कैमरा ऐप है वो बहुत घटिया है, पर जो हार्डवेयर है वो कैपेबल है अच्छी इमेजेस कैप्चर करने के लिए, इसलिए लोग गूगल कैमरा इंस्टॉल करना पसंद कर रहे हैं उनके डिवाइसेस पर, क्योंकि जो गूगल कैमरा से जो आउटपुट मिलता है, जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है वो बड़ी कमाल की मिलती है। उसमें आपको बाकी के फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि HDR+ Pixel 3 पे जो नाइट साइड मोड है वो मिल जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा Pixel 3 का नाइट साइड मोड कितना भी अंधेरा हो उसमें कमाल की पिक्चर आपको निकाल के देता है। यहाँ तक कि मैंने कैमरा की बात, अब बात करूंगा एक्चुअल एपीआई के बारे में। एक्चुअली एपीआई का मतलब क्या होता है? एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, या रोज़ाना यूज़ करते हो, हर किसी ऐप में यूज़ करते हो। आप जब किसी भी ऐप में लॉग इन करने जाते हो तो आपको एक ऑप्शन देते हैं नीचे, लॉग इन विथ फेसबुक या तो फिर लॉग इन विथ गूगल। इसका मतलब यही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया ऑफिस का एग्जाम्पल दे के, आप उस कंट्रोल रूम में जाके वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते हो, वैसे यहाँ पे जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गूगल या फेसबुक के पास स्टोर है। आप जब उस लॉग इन विथ फेसबुक या फिर लॉग इन विथ गूगल दबाते हो तो वो ऐप क्या करता है, वो ऐप गूगल या तो फिर फेसबुक को कॉन्टैक्ट करता है और उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन उठाता है, और वो इन्फॉर्मेशन सिंपली उस ऐप में उनके पास फिलअप कर लेता है।
सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दूसरों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और वो खुद यूज़ करना, ये हुआ कैमरा टू एपीआई का मतलब। हालांकि इसका यूज़ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बाकी के जगह पे भी यूज़ होता है, जैसे कि आपके बाकी के ऐप्स वो भी यूज़ करते हैं एपीआई आपके मोबाइल से बाकी जगह से इंफॉर्मेशन उठाने के लिए। बस एपीआई का मतलब यही होता है। अब मैं इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में बात करना चाहूँगा, एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 और M1 के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो इसी डिवाइस के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई इसका जो पाई अपडेट आया है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 का, उसमें कैमरा टू एपीआई कंपनी ने डिसेबल करके रखा है। इसका मतलब आपको इस डिवाइस को रूट करना पड़ेगा और रूट करने के बाद ही आप कैमरा टू एपीआई इनेबल कर सकते हो इस डिवाइस पे। हालांकि बीटा वर्जन ये बाकी सबके लिए नहीं है, तो कंपनी शायद जब स्टेबल वर्जन आएगा पाई का तब ऑन करके रख सकती है, मतलब रूट करना नहीं पड़ सकता है तब। तो जब भी इसका स्टेबल वर्जन आता है और उस पर जो भी अपडेट होगी कैमरा टू एपीआई के बारे में, मैं आपको मेरे चैनल पे अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यार खूबसूरत कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी करते रहना बाकी के वीडियोज़ बनाने के लिए। और यार प्लीज़ लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो इस वीडियो को जिनके पास एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 M1 या तो फिर इस सीरीज़ में से कोई भी मोबाइल होगा तो, और जो कैमरा टू एपीआई के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनको शेयर भी कर दो और उनको मदद करो, उनको भी जानने को मौका दो भाई। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा के ज़रूर जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।